आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। रंगों और खुशियों का त्योहार है होली। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर नए साल और खुशियों का स्वागत करते हैं। वैसे तो भारत देश मान्यताओं और परंपराओं का देश माना जाता है। संगम के शहर प्रयागराज में ऐसी ही एक परंपरा सदियों से चली आ रही है। होली के एक दिन पहले यहाँ भौकाल के साथ हथौड़े की बारात निकाली जाती है। इस बारात में शहर के लोग बाराती बनते हैं और हथौड़े को दूल्हा बनाया जाता है। जिन रास्तों से हथौड़े की बारात निकलती है वहां से लोगों की भीड़ जुटती चली जाती है। सड़कों के साथ लोग घरों की छतों पर खड़े होकर दूल्हे राजा हथौड़े की अगुवाई करते रहे। इस कार्यक्रम का पूरा मकसद लोगों को हंसाना होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी दिया जाता है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। जी, हथौड़ा बारात जो पूरे शहर में घूमेगी जगह जगह, और खास खूबियाँ क्या रहेंगी, क्या उद्देश्य, क्या मकसद रहेगा और थीम क्या है इस बार की? इस वर्ष की जो हथौड़ा बारात की थीम है वो सबसे पहले मैं बताना चाहता, आपने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ। इस वर्ष की हमारी हथौड़ा बारात की थीम है हिंदुस्तान के नौजवान के बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करो, पहली चीज़। अब इस बात को यहीं ख़त्म करके हथौड़ा बारात पे आता हूँ। अलावा शहर में शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए, गंगा जमुनी एकता की तहजीब को बनाए रखते हुए, इस हथौड़ा बारात में शहर के मदमस्त, अलमस्त, फक्कड़, मौज मस्त और ऐसे सभी लोग इस हथौड़ा बारात के साक्षी बनते हैं, जो न अपना कपड़ा फाड़ सकते हैं, न रंग खेल सकते हैं, न सड़कों पर निकल सकते हैं। ये उन सबों की द्वारा सड़क पर निकलकर होली मनाने की एक शुभारंभ की शुरुआत होती है। हथौड़ा बारात के निकलते ही पूरे इलाहाबाद शहर में हथौड़े की, होली की शुरुआत हो जाती है। ये हथौड़ा इसी प्रयाग में प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु ने प्रलय काल के बाद विश्वकर्मा जी से ये कहा कि प्रलय काल के बाद संसार की उत्पत्ति होनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा ने बहुत से यज्ञ किए, कई लाख साल यज्ञ किए, प्रवचन किए, तब जाके उनको आदि यंत्र हथौड़ा इसी प्रयाग में प्राप्त हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इस हथौड़े की जोड़दारी किससे हो, तो उन्होंने फिर यज्ञ हवन किया, इस गंगा के कछार पर कद्दू पैदा हुआ, इसीलिए हथौड़े से कद्दू भंजन कर कर समाज में, देश में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में व्याप्त कुरीतियों पर हम करारा प्रहार करते हैं इस होली के माध्यम के अवसर पर। संजय सिंह, संयोजक हथौड़ा बारात। हथौड़ा बारात का आयोजन इलाहाबाद में पिछले 60-70 साल से हो रहा है। मैं बचपन से इसको सुनता रहा, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इसमें शामिल हूँ। और देखिए, न्याय के मंदिर में भी हथौड़ा बजाकर माननीय न्यायाधीश न्याय देते हैं, और वही इस हथौड़े का मकसद है कि सबको न्याय मिले, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म इसको मिलजुल के और खुशहाली से मनाएं। हथौड़ा ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग चाहे कंप्यूटर आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए, चाहे और कुछ आ जाए, लेकिन हथौड़े का महत्व कम नहीं होता। हथौड़े का ज़रूरत हर जगह बनी रहती है, और हथौड़ा बारात इसी परंपरा को है, बुराई को मिटाने के लिए और आपस में सबको एकजुट करने के लिए। धन्यवाद। आर.एस. वर्मा, रिटायर्ड IAS और पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और पूर्व आयुक्त चित्रकूट मंडल, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश। होता है, कई वर्षों से इसकी परंपरा है, हथौड़ा को निकाला जाता है, खास तौर से जो रूढ़ियां हैं, कुरुतियां हैं, उस पर प्रहार किया जाता है। क्या कहेंगे इस तरह से जो आयोजन होता है शहर में? देखिए, ये भारतवर्ष 30 त्योहारों का देश है, सांस्कृतिक धरोहर, मान्यताओं, आस्थाओं का देश है। उसी मान्यताओं के आधार पर यह हथौड़ा बारात पिछले 60 सालों से परंपरागत चली आ रही है। इस हथौड़ा बारात का उद्देश्य ही यही है कि हर कुरीति को हथौड़े से मार करके दूर करो, अन्याय पे हथौड़े का न्याय चले और सबको न्याय मिले। आज होली पर्व के त्यौहार पे तमाम तरह की कुरीतियाँ भी फैल गई हैं, त्यौहार दूषित हो रहे हैं, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए ये हथौड़ा एक प्रतीक है कि हम हथौड़ा मार करके कुरीतियों को दूर करेंगे और आपसी सौहार्द और भाईचारा के साथ
इस त्यौहार को मनाएंगे और इस प्रयाग की पावन की धरती पे गंगा जमनी जो तहजीब है उसके विश्व में एक सौहार्द और भाईचारा का संदेश देंगे। यही हथौड़ा बारात का उद्देश्य है। हम सब लोग पिछले कई सालों से यहाँ आकर के इसमें शामिल होते हैं, बड़ा आनंद आता है। हमारे तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, आज भी हमारे मुख्य अतिथि पूर्व कमिश्नर IAS श्री RS वर्मा साहब हैं, तमाम हमारे शहर के तमाम सम्मानित लोग हमारे बीच में मंच में हैं और इसमें शामिल होकर के समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और इलाहाबाद हमेशा संदेश के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में इसकी संस्कृति और सभ्यता का संदेश देने वाला शहर माना जाता है, इसलिए ये प्रयागराज की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये हथौड़ा बारात है। श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी, इलाहाबाद। मिर्जापुर में जफरखाने से शेरवा नौडीहा गांव तक रोड बन रहा है, जो मानक की अनदेखी की जा रही है और ठेकेदार के द्वारा इस संदर्भ में कुछ लोगों से बातचीत की गई है। रामचंद्र, रामलाल, सुलोचन, मनोहर, जयंती प्रसाद, चंद्रशेखर, मनोज मौर्य, देव नंदन, सितारा आदि लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता रूप नारायण द्विवेदी की ये रिपोर्ट। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें बहुत जल्दी कवर जाएगा ना रोड। बाबूआ, मेरा नाम मनोहर है। ये रोड जो बना रहे हैं ना, इस पे झाड़ू लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वैसे ही मिट्टी उभरी हुई है उस पे, वो मोबिल या पानी जैसे डाल करके सिर्फ गिट्टी बिछा रहे हैं और बहुत बारीक गिट्टी बिछा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी उखड़ जाएगा, यही समस्या है। नाम? जयंती प्रसाद। समस्या रोड सही नहीं बना था। क्या दिक्कत? बस वह एकदम मेन गिट्टी देता न बटोरा था न झारा था, वैसे ही बस। बाबू नाम बताइए। चंद्रशेखर। समस्या क्या? अब सरकार आएगी तो देखेगी इनकी कैसी बन रहा है रोड। और क्या रोड के विषय में? रोड खराब है। और क्या रोड खराब है? एकदम खराब बना था। पहले नाम बताइए भैया, नाम आप अपना बताइए। मनोज मौर्य। समस्या? रोड पर एकदम अलकतरा नहीं पड़ा था भैया, न गिट्टी ढंग से पड़ा था, यह समस्या। रोड बना रहा है कबल की कबर नहीं जाए के अब कबरना है। आवा रोड के विषय में बतावा था। ये साइकिल पर ब्रेक लगावा। ऐसा बात है ना, पहली बात ही है। नाम? हमारा देवनंदन। समस्या अभी इस रोड के विषय में क्या समस्या है उसको बताइए। सुनो मी कालाल, कि इजन धूल का सफाई न कर तो वही पर सोन कुल से अलकतरा फरकता लगा देते तो कबर नहीं है। डीजल मोबिल 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 तो अब बताओ खराब हो जाएगी ना? खराब हो जाएगी। ओके, अच्छी ढंग का कम से कम बनावे के चाहिए, कुछ टिकाऊ रहा और सब एक बार ध्यान देवल जा। आप अपन नाम पहले बताओ। सितारा। का दिक्कत था आपके? अभी धूर बिछा था सड़क पर, और का बिछा था। अच्छा, मोबिल बिछा था, धूर बिछा था, इतना से कई दिन चली सड़क था। भैया आप अपना नाम पहले बताइए। त्रिभुवन। ये रोड को लेकर क्या समस्या है? रोड यहाँ से लेकर मझगावा तक बने के चाहिए। नहीं, मझगावा तक नौडीहा तक है ना? हाँ तो नौडीहा तक तो है, मझगावा मिले के चाहिए ना बाईपास में रोड में। नहीं नहीं, वो तो आप आगे की बात कर रहे हैं कि मतलब मेन रोड मिल जाए, लेकिन जहाँ तक रोड है और वो रोड बन रहा है उसमें क्या समस्या आपको है? समस्या ये है कि अब कई जगह कटिंग बा, रोड सही नहीं बा। और क्या बा? अलकतरा वगैरह कायदे से डाल दूँ। अब वही कहाँ अलकतरा कायदे से पड़ा है? अलकतरा कौन मार कायदे के पड़त बा? रंगत बाड़ा कि अलकतरा बिछावत बाड़ा सड़क के। समस्या ये कुल बा, नाली क, मकान क, कौन समस्या कहल जा? समस्या तो यही बात बा, सड़क बने के चाहिए, नाली बने के चाहिए, सफाई हो के चाहिए, ढकाई हो के चाहिए। सफाइयों को नहीं के थोड़ा सा जल्दी बुला लेता है।
तब तक बोला रहा कुछ सड़क गड़बड़ है बोला भी यही कुछ तो हूँ बोला प्रधान के विषय में हाँ बोले से का होला हाँ सही ढंग का सड़क नहीं बन पावा हाँ भैया नाम अपना हमारा नाम विजय है इस रोड को लेकर क्या समस्या है यह समस्या बाकी रोड कबरत बा बनत बा एक कुरी से कबर जाल करत बा और का यह समस्या मटेरियल भैया नाम प्रेमलाल अब समस्या बताइए रोड को लेकर क्या समस्या है रोड को लेकर के यहीं की जो जाफरखानी माइनर का जो रोड बन रहा है दुहवा पुल से लेकर के नवडीहा तक वो एकदम ऐसा रोड बन रहा है कि एक महीने के बाद ही उखड़ करके सब रोड ख़त्म हो जाएगी उसमें जो मटेरियल डाला जा रहा है बिल्कुल नाम मात्र का डाला जा रहा है और एकदम बोकस रोड बन रही है तो हमारा अनुरोध है कि इसका जांच करा करके रोड को जो बन रहा है तो अच्छी तरह से बनाया जाए इसकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है बताइए हमारा नाम रामचंद्र रामचंद्र समस्या समस्या है कि रोड जो बन रहा है या सही ढंग से बन नहीं रहा है अच्छा। जैसा होना चाहिए वो नहीं बन रहा है मानक की अनदेखी की जा रही है हाँ हमारी मानक की अनदेखी तो कर ही जा रही है और ठेकेदार मौज ले रहे हैं और करने वाले लेबर वर्कर अपने मन का कर रहे हैं लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा नहीं रहा नहीं हो रहा है अब देखा आवा आवा लोहा बोला नाम नाम गांव बतावा बोले शेरवा शेरवा ये रोड सही सही बन रहा है नहीं गलत बना था कि क्या दिक्कत है इसमें अलकतरा में कमी है अलकतरा में हाँ गिट्टी पतीला छिड़कत जाते हुआ अच्छा सालों भर न चली खत्म हो जाई अच्छा बस अब का कहीं फास्ट न्यूज इंडिया जौनपुर जलालपुर के जफराबाद बाजार परिक्षेत्र के निवासी होनहार अमर कुमार नाम का बच्चा जो कक्षा 8 का विद्यार्थी है जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक ढंग से गीत गाता है जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए ये जौनपुर जिले का जलालपुर परिक्षेत्र का ये जफराबाद का ये बाजार है और इसी जफराबाद के आसपास के रहने वाले ये पिता पुत्र से मिलेंगे ये जो मंगल प्रसाद अग्रहरी जी हैं इनके सुपुत्र जो है बहुत अच्छे ये नृत्य भी करते हैं और पढ़ने भी होते हैं और बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं कई बार मैंने देखा है तो आइए मिलते हैं कि ये गीत विधा कैसे सीखे और कैसे इसका प्रयोग करते हैं और पहले इनका पूरा परिचय देंगे हाँ जरा सा अपना नाम पूरा पता परिचय बताएं कक्षा बताएं मेरा नाम अमर गुप्ता है जी और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ जी मेरे गांव मेरा पता है साबड़ीपुर गंज पोस्ट पोस्ट जिला अच्छा आपके स्कूल का क्या नाम है आर मिशन कॉलेज जफराबाद में ही नहीं कबूलपुर अच्छा तो ये बताइए सुनता हूँ कि आप बहुत सुंदर नृत्य भी करते हैं और गीत भी आप गाते हैं अच्छा तो कब से गीत गा रहे हैं ये हमको बचपन से ही शौक है गीत गाने का और नृत्य करने का अच्छा अच्छा तो प्रेरणा कहाँ से मिला प्रेरणा हमारे पिताजी से मिला अच्छा अच्छा ये पिताजी आपके यही है मंगल जी हाँ अच्छा धन्यवाद तो मंगल जी हमेशा आपको प्रेरणा देते रहे कि आप गीत गाइए धन्यवाद तो हमारे दर्शकों का कोई गीत सुनाइए आप हमारे टीवी चैनल के हमारे फास्ट न्यूज मीडिया के कोई गीत सुनाइए हाँ तो जो आपका फेवरेट है वो सांग जो अक्सर आप गाते हैं अपने स्कूल में जरा सा सुनाइए तो जो बोएगा वही पाएगा तेरा की आगे आएगा दुख सुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी धन्यवाद अच्छा गया तो ये बताएं कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं क्या बताना
हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत सुंदर। और क्या पिक्चरों में भी आपका गाना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, यानी कि पिक्चर में भी आप गाना चाहते हैं और साथ में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ। बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे अपने बच्चे के बारे में? अरे भाई, हमारा बच्चा खेल पूरे बड़ा अच्छा काम करो, उससे खुशी मिलेगी भैया ना। आपको गर्व होगा ना? बिल्कुल होगा, अब आगे बढ़ेगा तो हमें खुशी मिलेगी भैया। बहुत धन्यवाद। देखिए, मंगल जी उनके पुत्र जी, उनकी क्या नाम बताए थे आप? अमर। हाँ, अमर गुप्ता जी जो कछार के विद्यार्थी हैं और बहुत ही सुंदर, इनके पास नृत्य कला भी है और संगीत की विधा जानते हैं, और हमने देखा कि इंजीनियर बनने का भी संकल्प हमने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी गुप्ता अकेला 5 मिनट दिया कैमरा मैन के साथ। नमस्कार। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। मैं गुप्ता, बड़ा थाना रिपोर्टर, 5 मिनट इंडिया। मैं समस्त देशवासियों को लोहड़ी त्यौहार की बधाई देता हूँ। ग्राम प्रधान अमृत लाल, ग्राम सभा भानपुर, ब्लॉक रामपुर। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। कृष्णा हेल्थ क्लिनिक श्रीराम सेवापुरी वाराणसी की तरफ से सभी ग्रामवासी तथा क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विद्या हॉस्पिटल कछवा और सब्जी मंडी की तरफ से समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को एवं ग्रामवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ग्राम सभा दाती प्रधान कौशल्या देवी, पत्नी हरक नारायण यादव, ग्राम सभा दाती की तरफ से फास्ट न्यूज इंडिया के माननीय पत्रकार साहब जी के आगमन पर समस्त भारतवासियों को होली के पावन त्यौहार, प्रदेशवासियों और जिलावासियों और समस्त ग्राम सभा दाती परिवार वासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होली का त्यौहार बड़े प्रेम भाव से, हृदय से मनाएं। इसमें किसी प्रकार का ये त्यौहार ऐसा होता है कि पुरानी किसी प्रकार की दुश्मनी को मेल मिलाप कराता है। इसी उद्देश्य को लेकर के समस्त जनतावासियों, जनता और ग्रामवासी प्रेम पूर्वक होली का त्यौहार मनाएं, यही मेरा शुभकामनाएं देश के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। हाँ सब कर चुके हैं। विप्लव सिंह, भारतीय जनता पार्टी से, समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करना चाहता हूँ। होली तो रंगों का त्यौहार है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय श्री का भी प्रतीक है। तो होली के लिए पूरे प्रदेश के लिए लोगों को, पूरे देश के लोगों को यही शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि नशा, भांग, इन सब चीज़ों से दूर रहें, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन मर्यादा का भी पालन करना उतना ही ज़रूरी है। मर्यादा में रहकर मर्यादित तरीके से होली मनाएं। इस साल होली में एक तरह से रंग में भंग पड़ा हमारे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का असमय दुखद निधन हो गया। इस वजह से शोक संतप्त हूँ। व्यक्तिगत रूप में मैं होली नहीं मना रहा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरे देश के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सारे भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम मन्नालाल यादव है, दुर्गापुर में अपनी चाय की दुकान। समस्त काशी वासियों और भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
सत्यप्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मैं उप निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा, यातायात पुलिस वाराणसी की तरफ से काशी वासियों को हार्दिक होली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सादगी पूर्वक त्यौहार को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सीओ भेलोपुर बनारस वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि होली सभी लोग आपसी भाईचारे से शांतिपूर्ण रूप से सौहार्दपूर्वक रूप से मनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद पांडे, रिपोर्टिंग इंचार्ज लंका वाराणसी से आप सभी देशवासियों को होली के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कुमार यादव, प्रोप्राइटर सुनील मेडिकल एजेंसी कछवा रोड चौहानी की तरफ से अपने समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा देशवासियों से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान मॉडर्न मऊ आलापुर अम्बेडकर नगर का अध्यक्ष घनश्याम अपने और अपने संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से समस्त देशवासियों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में फिरोजपुर तहसील जीरा के गांव सनेर में छेवी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद साहिब की याद में 20 व कबड्डी टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें अलग अलग टीमों ने भाग लिया और लड़कियों का भी कबड्डी मैच करवाया गया। यह मैच नौजवान पीढ़ी, ग्राम पंचायत और समूचे क्लब के सहयोग से कराया गया। पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट। भंगड़ा पिया ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਦੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਲਚ ਪਲੇਟਾ ਪਰ ਇਧਰ ਬਣੇ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਆਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪਿੰਡ ਸਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 20ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ 20ਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, NRI ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। कुशीनगर जिला में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी फिर मोदी सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। फास्ट न्यूज इंडिया के साथ बात करते हुए महिलाओं ने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। कुशीनगर से हमारे संवाददाता धनंजय दुबे की ये रिपोर्ट। मोदी की क्या बातें आपको अच्छी लगती, नीति क्या अच्छी लगती? मोदी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। मोदी एक सख्त प्रधानमंत्री है जो देश की आवश्यकता। राहुल गांधी को कहते हैं चौकीदार चोर है, जो चोर होता है दूसरे में चोरी ही नजर आती है।
और माया के लिए से गठबंधन में क्या कहेंगे आप? गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, इसलिए गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं क्या बात कीजिए, बात कीजिए। सरकार मोदी का, सरकार हर मोदी घर घर कौन काम आपको मोदी का बहुत काम किया है, घर घर में सलाइटिंग पहुँचाए हैं, घर घर में गैस पहुँचाए हैं, गरीबों का एम्स में एम्स हॉस्पिटल को बनवाए, क्या नहीं किया है, चोर चक्कर क्या करेगा कांग्रेस, क्या करेगा कांग्रेस, क्या करेगा आप, सरकार बनवा मोदी का सरकार बनेगा कहना सरकार बनने जा रही है मोदी के, कौन काम मोदी के अच्छा लगा हुआ आपके, जैसे एक दो काम बता दिए अच्छा गैस मिलल बा, फ्री में मिलल बा कि पैसा लगल बा, तो यह है बालखंडी की जनता और मैं कैमरामैन सुनीत के साथ धनंजय दुबे, फास्ट न्यूज इंडिया कुशीनगर। ये थे वीके समाचार, दिन भर के खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, तब तक की मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।